हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.2 वॉल्यूम्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई इक्वल टू 1। रेडियस है कोन के केस में भी और हेमिस्फीयर के केस में भी 1, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है सो 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस 2 आर। पुट द वैल्यूज, रेडियस इज 1, हाइट इज ऑल्सो 1। क्या आया? 1/3 पाई, 1 प्लस 2 इज 3। सो पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट वन, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. Cylinder की shape में model बनाया है with two cones attached to its two ends. और cylinder के दोनों ends पे दो cone attach किए गए हैं. Using a thin aluminium sheet, the diameter of model is 3, length is 12. पूरे model की length है 12. If each cone has height 2, cone की height है 2 cm, तो मेरे पास cylinder की height कितनी आएगी? Diameter दिया हुआ है model का 3 cm, so radius आ गया 3/2. Height of the cone is 2 cm, height of cylinder, cylinder की height को हम capital H से denote कर रहे हैं, 12 माइनस, अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है, पूरे मॉडल में से दोनों कोन्स की हाइट को माइनस कर दिया जाए, तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट बचेगी 12 माइनस 4, 8. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड कितना होगा? जितना मॉडल का वॉल्यूम होगा वही होगा, और मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दोनों साइड्स पे कोन अटैच्ड है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के हाइट को कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन h प्लस 2/3 h। पाई रेडियस r इज 3/2 r स्क्वायर है, सो 3/2। हाइट इज 8 एंड फॉर कोन हाइट इज 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, 22/7 9/4 8 प्लस 4/3। टेक द एलसीएम, 22/7 9/4, 8 × 3, 24 प्लस 4, 28/3, 9/4, 28/3, 7 × 4s are 3, 3s are 9, 22 × 3, 66 cm cube is the volume of air contained in the model. Note it down. Now next, third question. Third question is very important from the exam point of view also. So let us start with third question. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Jis bhi container mein gulab jamun hai, usme 30% kya hai? Sugar syrup. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns each shaped like a cylinder. हर एक गुलाब जामुन सिलेंडर की शेप की है,
with two hemispherical ends. दोनों तरफ hemispherical ends है with length 5 cm. एक गुलाब जामुन की length है 5 cm और diameter is 2.8. Diameter is 2.8, so radius is 2.8 by 2, 1.4. Total length है 5 cm, उसमें से इसका radius 1.4, इसका भी 1.4, तो height of cylinder कितनी बचेगी? Height of cylinder, total height कितनी है? 5 minus hemisphere का radius minus करेंगे. जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही उसकी हाइट होगी. सो 2.8 दैट इज 2.2 cm. अब हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. यही होगा. पाई इज कॉमन, रेडियस इज सेम फॉर बोथ, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर. पाई रेडियस इज 1.4, हाइट इज 2.2 एंड रेडियस इज 1.4. ये आया हमारे पास, ठीक है. नाउ 7 2s are 14, 44 × 14/100, 14 × 4/30, 22/10, 56/30. Take the LCM. (22 × 3) = 66 + 56. (44 × 14/100) / 30. ये आया हमारे पास. (44 × 14) = 61 (100 × 15). ये आ गया. उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. क्या करेंगे? 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 45 × 44 × 14, ये आ गया. नाउ 15 3s are 45 4 11 4 25s are 100. यहां तक नोट कीजिए पहले. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 3 × 61, 14 × 11, 154/25. This is volume of 45 gulab jamuns. Centimeter cube में होगा. अब उसने कहा है एक गुलाब जामुन में जो वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है, तो इतने में क्या होगा? अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा? 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. परसेंटेज का साइन हटाया. 100 61 × 3 = 183 154 = 25. ये आ गया हमारे पास. 6
into 183 into 154 upon 500. 154 into 6, 924 into 183. Multiply the terms, 924 into 183, 169092 upon 500. 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसमें डेसिमल लगा देंगे. क्या आया डिवाइड करके हमारे पास, अपॉन 100. 5 से डिवाइड किया, 5 threes are 15, 19, 5 threes are 15, 4, 5 8 are 40, 5 ones are 5, 42, 338.18. This is the amount of शुगर सिर इन 45 गुलाब जामुन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने क्या किया, वन गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया. गुलाब जामुन के बोथ सिलेंड्रिकल शेप में है और बोथ एंड्स उसके हेमिस्फेरिकल शेप में है. तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब. रेडियस हमें पता है, हाइट पता है 5. सिलेंडर की हाइट क्या होगी, 5 माइनस दोनों रेडियस 2.2. उसको फॉर्मूले में अप्लाई की वैल्यूज और हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई दिस सेंटीमीटर क्यूब. ये आया वॉल्यूम. उसके बाद हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आया ये. वन गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो है 30%, तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, दैट इज 338.18. नोटेड डाउन, सेंटीमीटर क्यूब.